यानी के इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आइए बनाते हैं मज़ेदार बिरयानी। जी बिरयानी है और ये मेरी अम्मी की स्टाइल की बिरयानी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ कोशिश कीजिए और एक दफ़ा बना कर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। करना ये है कि एक देचके में आपने पानी भर कर बॉयल होने के लिए रखना है और ये 2 घंटे से भीगे हुए चावल हैं जो कि मैंने रखे हुए हैं। इसके बाद मैंने 6 से 7 अदद प्याज को बहुत अच्छे तरीके से काट लिया है। जी ये प्याज है, ये चावल हैं और ये हैं मसाले जो कि जिसमें है लाल मिर्च 3 भर भर के खाने के चम्मच, नमक 3 खाने के चम्मच, सूखा धनिया 1 बड़ा खाने का चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ज़ीरा लौंग के कुछ डंडियाँ, उसके बाद काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल पाउडर, जावित्री पाउडर, आलू बुखारा जो कि मैंने भिगो के रखा हुआ है और इमली 8 से 9 अदद आलू बुखारा है, इमली अंदाजे से 1 मुट्ठी डाली थी, इनको भिगो के रात भर रख दिया था। और ये टमाटर हैं 6 से 7 अदद और कुछ हरी मिर्चें। इसके बाद जी आ जाता है कोकोनट पाउडर। अब आपने पानी को बॉयल करना है और इसमें चावल को उबाल कर, चावल को आपने इस तरह बॉईल करना है कि ये थोड़े सख्त रह जाएं, ठीक है, इनको बिल्कुल गलाना नहीं है और क्योंकि हम इन्हें दम पे बनाएंगे। इसके बाद तेल लेना है, उसमें आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, हल्का सा फ्राई करना है और निकाल लेना है, हल्का सा इस पर कलर ऐड हो जाए। फिर इस ऑयल में आपने मज़ीद ऑयल डालना है और प्याज, आपने जो 7 अदद प्याज था वो इसमें आपने ऐड कर देना है। प्याज को आपने हल्का ब्राउन करना है। इसके बाद आपने लहसुन 1 मुट्ठी, अदरक का 1 बड़ी जो वो है डंडी वो, और हरी मिर्चें 12 अदद जो मैंने पीस ली थी वो ऐड की, और जितने मसाले थे जो मैंने आपको दिखाए थे वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी और जब मेरा मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो मैं इसमें इमली और आलू बुखारे का पेस्ट ऐड करके इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। टमाटर भी मैं ऐड करूंगी, उनको भी मैं अच्छे से पका लूंगी और फिर चिकन को मैं ऐड करूंगी और इसको मैं 15 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी, हल्की आंच पे यानी बनाऊंगी। मज़ेदार बिरयानी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि बाकी बिरयानियों से डिफरेंट है, मेरी अपनी अम्मी की पुरानी रेसिपी है, हम इसी तरीके से बिरयानी बनाते हैं। इसके बाद जी आपने तह लगा लेनी है। सबसे पहले ऑयल की तह रखिए, फिर उसके ऊपर चावल डालिए, फिर उसके ऊपर चिकन की तह लगाइए, फिर उसके ऊपर चावल डालिए और इस तरह से तह भते ये बिरयानी को आपने तह लगाने के बाद ढक के दम पर रख देना है। और दम लगाने के बाद आपने जब आप निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी। ये मेरी बिरयानी रेडी हो गई है यार। अब बिरयानी बनाने के बाद आपने सिर्फ खा नहीं लेनी, मुझे दुआओं में भी याद रखना है, ठीक है, और उसके बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये बिरयानी कैसी बनी। तब तक के लिए, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अस्मा तैमूर, अल्लाह हाफिज़।